नमस्ते, मैं हूँ सुमिता और आज की हमारी क्लास है बीएससी से सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा। और आज का हमारा टॉपिक है पैरा शिक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। हमने पिछले टॉपिक में हमने क्लियर कर लिए थे कि पैरा शिक्षक की जो भी नियुक्ति है वो किस प्रकार की होती है और पैरा शिक्षक के वेतन भत्ते क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में पूरी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि पैरा शिक्षकों को नियुक्त करने के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, इनका मूल मोटिव क्या है, आवश्यकता इसकी जरूरत क्यों पड़ी और महत्व इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंतर्गत क्लियर करेंगे। हमारा जो इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, पहला है शिक्षा की सार्वभौमिकता। शिक्षा को बरकरार रखने के लिए और शिक्षा के महत्व को खत्म ना करने के लिए और शिक्षा एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचे, एक बच्चे से दूसरे जगह बच्चे तक पहुंचे, इसलिए पैरा शिक्षकों की नियुक्ति की गई। क्योंकि वर्तमान में शिक्षकों का अभाव बहुत ही अधिक बढ़ चुका है, पिछड़े हुए क्षेत्र में कोई भी जाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर शिक्षा का अभाव स्वतः ही हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पैरा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जिससे कि जो शिक्षकों की जो सार्वभौमिकता है वो बरकरार रहे। दूसरा है पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए। पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए, पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए पैरा शिक्षक एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि हाँ वो इतनी धूप में एक छांव मिलके उन वो वाला काम करता है पैरा शिक्षक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि वो पिछड़े क्षेत्र में अपॉइंट किए जाते हैं और पिछड़े क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के होंगे। सीधी सी बात है, उनके लिए ना तो इतनी फैसिलिटीज होती है ना इतने बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, तो शिक्षा तो दूर दूर तक भूल ही जाओ। इसीलिए उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए और उनको सारे अधिकार, नैतिक शिक्षा, सारी की सारी चीजें प्रदान करने के लिए पैरा शिक्षक उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक भगवान की तरह उभर कर आए हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर कोई सामान्य टीचर जाना पसंद नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में कौन पसंद करता है, और वो जाता भी है और शिक्षा देता भी है। कौन देता है? पैरा शिक्षक देता है। तो पैरा शिक्षक से पिछले वर्ग की शिक्षा, पिछले वर्गों में शिक्षा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है शिक्षकों की आपूर्ति के लिए। शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति किसको करवानी है? हमें
पर्टिकुलर एक समुदाय को करानी है, वहाँ के इंसानों को करानी है, और वहाँ के इंसानों को कौन करा सकता है, शिक्षक ही करा सकता है। लेकिन एक सामान्य शिक्षक वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेगा और वहाँ पर हमेशा ही शिक्षकों का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में पैरा शिक्षक क्या करता है, पैरा शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करता है और संपूर्ण वर्गों को शिक्षा प्रदान करवाता है। नेक्स्ट है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। अगर शिक्षा उनको नहीं मिलेगी तो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा, और उनको शिक्षा केवल शिक्षक ही दे सकता है। और अगर कोई पिछड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर शिक्षक का अभाव है तो फिर उनका सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पैरा शिक्षक शिक्षा देता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। एक अच्छी गुणकारी शिक्षा के लिए पैरा शिक्षक बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पैरा शिक्षक की उसी पैरा शिक्षक की नियुक्ति होती है जो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड होता है, जिसकी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, उनके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं, फिर उनका चयन होता है बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में उनका चयन करना, यानी कि वो खुद एक बहुत ही अच्छी खासी शख्सियत है शिक्षा के मामले में। तो ऐसे व्यक्ति से जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो वो गुणकारी ही होगी। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। प्रभावी शिक्षण हमेशा प्रभावी ही होना चाहिए, जिससे कि वो सामने वाले बच्चे पर मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ सके। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए हमें पैरा शिक्षक की आवश्यकता होती है। पैरा शिक्षक को जब ट्रेनिंग में उसको नई नई चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि उसको शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाना है, उसको रुचिकर कैसे बनाना है, जिससे कि बालक उसमें रुचि उत्पन्न कर सके पढ़ने के लिए। तो ऐसी सारी स्थिति उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सारी की सारी चीजें सिखाई जाती है, और यहाँ पर पैरा शिक्षक भी उन सारी की सारी विधियों का उपयोग करता है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के लिए। अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के लिए यदि हमने विद्यालय को बना लिया, लेकिन विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक नहीं है, तो जब शिक्षक नहीं है तो बच्चे नहीं आएंगे, जब बच्चे नहीं आएंगे तो उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब वो शिक्षा ग्रहण ही नहीं करेंगे तो वो शिक्षा अनिवार्य कैसे हुई, वो तो स्वेच्छता से हो गई ना कि भाई शिक्षक नहीं है तो कौन जाएगा, सीधी सी बात है। उसकी जो अनिवार्यता है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको खत्म ना हो, ऐसी स्थिति में केवल पैरा शिक्षक ही मददगार होकर उभर सकता है, जो कि अनिवार्यता को कंटिन्यू उसको बचाए और शिक्षा से छात्रों और बच्चों को जोड़ सके। और लास्ट है हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्व। दसवां है प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्व। पैरा शिक्षक का एक प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि जब बच्चा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में आ जाता है तो बच्चा थोड़ा बहुत तो लिखना पढ़ना सीख ही जाता है, लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चे को वो चीजें बिल्कुल भी नहीं आती। इसलिए पैरा शिक्षक या यूं कहें कि शिक्षक प्राथमिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका महत्व एक अलग ही लेवल पे समझा जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर को बरकरार रखने के लिए पैरा शिक्षक बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास में पैरा शिक्षक की नियुक्ति, उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके महत्व क्या है।
भी साथ में नहीं।